दुनिया में यूँ तो कई सारे एक्टर्स ने सुसाइड किया है, सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, प्रत्युषा बनर्जी, और इसके बाद अब नाम जो शामिल हो चुका है वो है वैशाली ठक्कर का। आखिर वैशाली ठक्कर ने अपने आखिरी नोट में क्यों लिखा आई क्विट, किससे परेशान थी वैशाली ठक्कर, और इंदौर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है जो आपको शॉक करके रख देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक एक करके इस गुत्थी से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या थी इस मौत के पीछे की सच्चाई, आखिर किस वजह से इतना टॉर्चर हो गई वैशाली ठक्कर जो इतनी स्ट्रांग गर्ल थी, उनको आत्महत्या की नौबत आ गई। वैसे दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पर नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। कई सारे टीवी शो में काम कर चुकी हैं, ऐसे में वैशाली ठक्कर जो है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके अलावा सुपर सिस्टर और ससुराल से शो का हिस्सा रही हैं वैशाली ठक्कर। इन्होंने कई सारे शो में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इसके वैशाली ठक्कर बताती हैं कि वो 2.5 साल से अपने पड़ोसी राहुल नलवान से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो अपनी सगाई टूटने के चलते, यानी कि जो एक बार उनकी सगाई टूट चुकी थी 2021 में, इसके बाद जब 2022 में दिसंबर में इनकी सगाई एक ऐसे US के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तय कर दी गई थी जिससे बहुत ज़्यादा खुश थी, और वैशाली ठक्कर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ भी ये सब बातें शेयर कर रही थी, और लोग उनके करीबी बताते हैं कि वैशाली ठक्कर बहुत ही जल्दी अमेरिका जाने वाली थी क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो US के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। लेकिन वैशाली ठक्कर की ज़िंदगी में तब तूफान मच गया जब राहुल ने एक बार फिर एंट्री मारी, और राहुल ने इस बार फिर वही काम किया जो 2.5 साल पहले राहुल कर चुका था। राहुल जो कि वैशाली ठक्कर का एक टाइम पे एक्स बॉयफ्रेंड था, वो लगातार इनको टॉर्चर कर रहा था, और वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में भी ये जाहिर किया था कि राहुल ने इनको फिजिकली, मेंटली हर तरह से अब्यूज़ किया है, और बहुत सारे इल्ज़ाम राहुल पे लगाए गए जो कि इनके सुसाइड नोट में शामिल हुआ। अब इंदौर पुलिस की माने तो इंदौर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और राहुल से अब पूछताछ जारी है। वैसे इनके माँ बाप ने भी क्लियर किया था कि एक दो दिन पहले ही वैशाली ठक्कर की माँ बाप ने राहुल के माता पिता से बात किया था और ये सारी बातों को क्लियर किया कि वो अब आगे से परेशान ना करे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से एक्ट्रेस डिप्रेशन में थी वही इनकी मौत का कारण बना, और लास्ट में नतीजा ये निकला कि एक्ट्रेस ने अपने ही घर के पंखे से सुसाइड नोट लिख के अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, खास करके टीवी सीरियल इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। करण कुंद्रा, दीपिका कक्कर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे को एक्टर्स थे जिन्होंने वैशाली ठक्कर के साथ काम किया था, उन्होंने अपने अपने रिएक्शन दिए, फैंस का भी रिएक्शन सामने आया। इंदौर पुलिस की माने तो वो अभी भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस मौत के पीछे की क्या थी सच्चाई, और पूरी पड़ताल से जांच करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये मेन रीज़न था जिसके चलते वैशाली ठक्कर ने अपने लास्ट नोट में लिखा था आई क्विट, और उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा था कि राहुल नलवान को किसी भी हालत में सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। खैर अब ये देखने वाली बात होगी भारत का कानून कितना सज़ा दे पाता है और क्या वो लड़की को न्याय मिलेगा जो इतनी स्ट्रांग थी और अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया था, और उसके बावजूद भी एक ऐसे फिरे लड़के के चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आपको क्या लगता है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।